कृषि कानून के विरोध में पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों के अगवा राकेश टिकैत के लिए बुरी खबर आई है। केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काकर टिकैत अपनी सियासत चमका रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारियों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारियों के नेताओं को बेनकाब कर दिया है। दरअसल दिल्ली के आसपास की सड़कों को जाम कर प्रदर्शन कर रहे किसानों से अब सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल पूछ लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कानून पर हमने रोक लगा दी है तो आखिर सड़कों को क्यों ब्लॉक किया गया है। इस पर किसान महापंचायत के वकील ने कहा है कि किसानों ने किसी भी सड़क को ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब सरकार ने आश्वासन दिया है कि इसे लागू नहीं करेंगे तो प्रदर्शन किस बात के हो रहे हैं। किसान महापंचायत की याचिका में जंतर मंतर पर सत्याग्रह की मांग की गई है। अदालत ने कहा कि आपने कानून की वैधता को चुनौती दी है, हम पहले वैधता पर फैसला करेंगे, प्रदर्शन का सवाल ही कहाँ है। जब अदालत ने पूछा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन का क्या तुक है, तो वकील ने कहा कि केंद्र ने एक कानून लागू किया है। इस पर बेंच ने तल्ख लहजे में कहा कि तो आप कानून के पास आइए, आप दोनों नहीं कर सकते हैं कि कानून को चुनौती भी दे दें और फिर प्रदर्शन भी करें। या तो अदालत आइए, या संसद जाइए, या फिर सड़क पर जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान लखीमपुर खीरी में हुई घटना का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। बता दें कि किसान महापंचायत दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग कर रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में भी कोर्ट ने किसानों को जमकर फटकार लगाई थी और इस बार भी कोर्ट ने किसान और उनके नेताओं से पूछा है कि आखिर सड़कें क्यों ब्लॉक है। अब देखना ये भी है कि क्या कोर्ट बंद सड़कों को खुलवाने को लेकर कोई फैसला करता है या नहीं, क्योंकि दिल्ली के आसपास के लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।